विक्रांत आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, इतना ही काफी है मेरे लिए। मेरा सवाल आपसे, जब मैं द साबरमती रिपोर्ट की बात करता हूँ तो ये एक सिर्फ एक पहलू दिखाती है, और उसके बाद जो हुआ, जब आप 69 लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ 759, और जब मैं उसके बाद की जब मैं बात करता हूँ तो 790 लोग ऑफिशियल आंकड़े जो गोद पोस्ट इसके बाद जो हुआ, जो गदर हुआ, लोग मरे, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो लेकिन लोग मरे। और आलम यह रहता कि 250 औरतें और बच्चियां रेप हुआ उनका। क्या खास वजह थी इस फिल्म को आपको साइन करने की? क्योंकि ये एक पहलू है, सिर्फ एक पहलू देख रहे हैं हम, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट, इफ यू वांट टू टेक, इफ यू प्लीज, या प्लीज गो अहेड। ये एक पहलू नहीं है, ये पहला पहलू है। यस, दिस इज हाउ आई विद मी स्टार्टेड। आई एग्जैक्टली, सो आई एम टेलिंग यू वन द जेनेसिस ऑफ इट, द पहला पहलू, विदाउट अंडरमाइनिंग द अदर पहलूज। Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. Ye answer main aapko English mein diya, shayad samajh jaoge aap. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you once again, Vikrant. जब जैसे ही मैंने आपको स्क्रीन पे देखा, मुझे बरखा की याद आई, बरखा दत्त की। और बड़ा बहुत बहुत विजिबल है ये बात जब मैं बोलता हूँ कि हिंदी भाषी पत्रकार और अंग्रेजी में सो कूल, यू नो मैम, आई सॉ यू, यू नो द वे दे, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है। क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि शी वाज द ओनली वन हु वाज देयर ऑन द ग्राउंड, एंड अपार्ट फ्रॉम हर देयर अदर इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट वर देयर ऑन द ग्राउंड। आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड, और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड। और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हों या चार जर्नलिस्ट हों, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है। ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है। तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ। या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना, हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं। बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना। ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी। विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी। विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप, ये तीसरा सवाल है आपका, वी लेट अदर्स ऑल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं। बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है यहाँ, ये फिल्म, एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर, वो भी है। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, विदाउट सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इट, इट इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विथ एंड वी एज अ टीम कलेक्टिवली आर डीलिंग विथ, एंड आई थिंक वी विल डील विद इट द वे इट इज ऑट टू बी।